आज मैं आपको सिखाऊंगी नो बेक चॉकलेट टावर केक बनाना। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। इसके लिए हम देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए जल्दी से। ये है 2 चम्मच कोकोआ पाउडर, ये आपको लोकल मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। ये है 4 बड़े चम्मच शुगर पाउडर। ये 2 चम्मच बटर है, मेल्टेड बटर। 1 ग्लास दूध हम लेंगे। ये 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर है। गार्निशिंग के लिए हम लेंगे जेम्स है, ये जो आपको चॉकलेट मिल जाती है मार्केट में वो जेम्स है, और कुछ सिल्वर बॉल्स यहाँ मेरे पास है, दोनों मिक्स है ये। और ये हैं मैरे बिस्किट्स, ये किसी भी कंपनी के मैरे बिस्किट्स आप ले सकते हैं। तो अब देखते हैं हम कि इसे बनाना कैसे है, शुरुआत करते हैं। अब एक बाउल में हम हमारा मेल्टेड बटर डालेंगे। अब हम इसमें पाउडर्ड शुगर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा। अब इसमें हमारा कोकोआ पाउडर भी डाल लेंगे। कोकोआ पाउडर थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए हम इसमें शुगर पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको। हम एक प्लेट लेंगे, उस पर प्लास्टिक पेपर आप रख लीजिए या एल्युमिनियम फॉइल भी आप ले सकते हैं। इस पर हम हमारे बिस्किट्स रखेंगे डिप किए हुए, ताकि ये फ्रीज होने के बाद में इसमें चिपके ना। तो अब हम मैरी बिस्किट लेंगे, इसे कॉफ़ी डिप जो हमने हमारा तैयार किया था उसमें डिप करेंगे थोड़ा सा इसे, और इसे इस प्लेट पे प्लास्टिक पेपर के ऊपर इस तरह से रख दें। अब हम ये जो हमारा चोको डिप हमने तैयार किया है, इस पेस्ट को हम इस बिस्किट पे इस तरह से लगाएंगे। इसको पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। इसके बाद हम एक बिस्किट फिर से लेंगे, उसे इस कॉफ़ी डिप में डिप करेंगे, और अगेन इस बिस्किट के ऊपर इस तरह से इसे रख देंगे। फिर से हम हमारा चोको पेस्ट इस पे लगाएंगे। अच्छी तरह से इसे फैला दीजिए। इसी तरह से हम कुछ और बिस्किट्स इस पे लगा के एक टावर बना लेंगे। मैं यहाँ पे 5 से 7 बिस्किट्स का टावर बनाऊंगी, बाकी आप अपनी इच्छा से कितना भी बड़ा टावर बना सकते हैं। देखिए बच्चों को ये डिश बहुत पसंद आती है,
और वैसे भी बच्चे चॉकलेट्स को बहुत अच्छे पसंद करते हैं, और चॉकलेट का उनको कोई केक मिल जाए तो फिर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, और केक ख़त्म ज़रूर होना है। देखिए एक प्लेट लेंगे, उस पे प्लास्टिक पेपर आप रख लीजिए या एल्युमिनियम फॉइल भी आप ले सकते हैं। इस पे हम हमारे बिस्किट्स रखेंगे डिप किए हुए, ताकि ये फ्रीज होने के बाद में इसमें चिपके ना। तो अब हम मैरी बिस्किट लेंगे, इसे कॉफ़ी डिप जो हमने हमारा तैयार किया था उसमें डिप करेंगे थोड़ा सा ऐसे, और इसे इस प्लेट पे प्लास्टिक पेपर के ऊपर इस तरह से रख दें। अब हम ये जो हमारा चोको डिप हमने तैयार किया है, इस पेस्ट को हम इस बिस्किट पे इस तरह से लगाएंगे। इसको पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। इसके बाद हम एक बिस्किट फिर से लेंगे, उसे इस कॉफ़ी डिप में डिप करेंगे, और अगेन इस बिस्किट के ऊपर इस तरह से इसे रख देंगे। फिर से हम हमारा चोको पेस्ट इस पे लगाएंगे। अच्छी तरह से इसे फैला दीजिए। इसी तरह से हम कुछ और बिस्किट्स इस पे लगा के एक टावर बना लेंगे। मैं यहाँ पे 5 से 7 बिस्किट्स का टावर बनाऊंगी, बाकी आप अपनी इच्छा से कितना भी बड़ा टावर बना सकते हैं। बच्चों को ये डिश बहुत पसंद आती है, और वैसे भी बच्चे चॉकलेट्स को बहुत अच्छे पसंद करते हैं, और चॉकलेट का उनको कोई केक मिल जाए तो फिर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, और केक ख़त्म ज़रूर होना है। देखिए 5 बिस्किट्स का टावर मैंने बना लिया है। और ये अभी ही इतना सुंदर दिख रहा है, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। ये देखिए बहुत सारी चॉकलेट यहाँ पे दिख रही है। और अब मैं एक लास्ट बिस्किट यहाँ पे और लगाऊंगी। That's it. अब हम अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे कि कहीं पे भी कोई बिस्किट नज़र नहीं आ रहा हो। हम पेस्ट को इस तरह से यहाँ पे
डाल देंगे ऊपर से, ताकि कहीं कोई बिस्किट दिख रहा हो तो वो ना नज़र आए। ये देखिए इस तरह से हमारा टावर खड़ा हो गया है यहाँ पे केक का। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। हमारे पास जो जेम्स और कुछ सिल्वर बॉल्स हैं उनसे हम अब इस केक को डेकोरेट करेंगे। देखिए इस तरह से ये कुछ जेम्स हमने डाली हैं और अब ये कुछ सिल्वर बॉल्स। देखिए अब ये कितना सुंदर लग रहा है। कुछ जेम्स मैं यहाँ भी लगा दूंगी। ये देखिए तो ये हमारा टावर केक नो बेक केक तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्रीज होने के लिए कुछ एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, मतलब कि फ्रीज में। तो अब इसे मैं फ्रीज में रख देती हूँ कुछ एक घंटे के लिए। अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है फ्रिज में से, एक घंटा हो गया है और एक घंटे बाद में अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम एक शार्प नाइफ लेंगे और इसे इस तरह कट करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर यहाँ पे हमें मिली है बिस्किट्स की, जो टावर हमने बनाया था। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये बिस्किट की लेयर हमें नज़र आएगी। तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया है चॉकलेट टावर केक, वो भी बिना किसी बेकिंग के। तो आप इसे एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।